गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र कुमार गौतम, हमारे यूट्यूब चैनल पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सकें। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेग बीमारी के बारे में, किस प्रकार फैलती है एवं किस प्रकार से हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। प्लेग जो बीमारी होती है वह चूहे के काटने के द्वारा होती है। जिस प्रकार से अभी वर्तमान में COVID-19 यानी कोरोना फैला हुआ है, उसी प्रकार से यह प्लेग नामक महामारी फैली हुई थी, जिसमें बहुत सारी मृत्यु हुई थी सेम कोरोना जैसी ही उस टाइम पर। लेकिन इसका भारत में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन फिर अभी तो इसका वैक्सीन, इस पर ट्रीटमेंट वैक्सीन आ चुकी हैं, जिससे इस पर कंट्रोल पा लिया गया है। प्लेग इज ए जोनेटिक डिसीजेस कॉज्ड बाई हाईली वर्चुलेंट बैक्टीरिया यर्सिनिया पेस्टिस, यानी जो जोनेटिक डिसीज होती है जो एनिमल्स के द्वारा होती है, यर्सिनिया पेस्टिस बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेग इज वर्ल्ड वाइड मैनिफेस्टेशन बाई वर्ल्ड रोटेंट्स एंड दे आर फ्लेश इन द नेचुरल फोसी एंड लोकलाइट इन्फेक्शन। यह पूरे वर्ल्ड वार में फैली हुई थी। डिसीज टेक्स 3 मेन फॉर्म्स, इसके लिए 3 स्टेजों में बांटा गया था। ब्यूबोनिक प्लेक्स, सेप्टिसेमिक प्लेक्स, न्यूमोनिक प्लेक्स। जो अनट्रीटेड, मतलब कि जिसका इलाज नहीं था, अनट्रीटेड ब्यूबोनिक प्लेक्स कैन लीड्स टू सेकेंडरी न्यूमोनिक स्टेज 100% मोर्टेलिटी, मतलब जिसकी सेकेंड ये स्टेज थी जिसमें बहुत सारी मृत्यु हुई थी। प्लेग हैज लीड टू 3 पैनडेमिक्स, जिसे 3 स्टेजों में लीड किया गया था। यर्सिना पेस्टिस बैक्टीरिया कैन बी आल्सो बी यूज ए बायोलॉजिकल वेपन, इसके लिए बायोलॉजिकल वेपन में भी यूज किया गया था। WHO ने आइडेंटिफाई प्लेग इमरजेंसी डिसीज, जिस प्रकार से अभी कोरोना को इमरजेंसी डिसीज घोषित कर दिया गया है, उसी प्रकार से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उस टाइम भी प्लेग को इमरजेंसी डिसीज घोषित कर दिया गया था। अब इसके करेक्टर्स के बारे में जानेंगे। यर्सिनिया पेस्टिस के बारे में, यह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, जो नॉन मोटाइल्स होता है, नॉन स्पोर्स फॉर्मिंग्स होता है, जिसकी साइज 0.5 से 0.8 मिमी डायमीटर तक होती है, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब ख़त्म नहीं होता था, 30 डिग्री सेल्सियस के बाद यह ख़त्म होता था। ऑप्टिमम इसका जो पीएच मान होता था 7.2 से 7.6 होता था। जो इसकी सेल वाल थी, एंटीजेनिक्स, ऑब्लिगेटेड्स, पैरासाइट्स, बाकी आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इसका ट्रांसमिशन, एक किस प्रकार से फैला था। ये फ्लेश एबॉर्न्स ट्रांसमिशन, मतलब मधु वो मक्खी कीड़ों के द्वारा से फैलती है। डायरेक्ट या फिजिकल कॉन्टैक्ट्स के द्वारा, इनकी जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कॉन्टैक्ट में आने के द्वारा भी है फैलती है। इंजेस्टिन ऑफ द इन्फेक्टेड एनिमल्स, यानी कि जो एनिमल पहले से इन्फेक्टेड है उसका हम लोग मांस खाते हैं, या फिर जो बैक्टीरिया उसका मिल्क वगैरह हम लोग एक दूसरे का शेयर करते हैं, जिसके द्वारा भी यह फैलती है। इनहेलेशन ऑफ इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट्स, जो हम लोग जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है उसके जैसे कि उसे छींक रहा है, उसके द्वारा भी यह फैलती थी।
जो इसका ट्रांसमिशन होता था वो दिन प्रतिदिन इफेक्ट देता था, मतलब 0 पहले दिन जो हमारी बॉडी में कि ओनली इन्फेक्टेड ही होता था, जो बैक्टीरियल लोडेस होता था, 1 से 4 दिन में या ईयरली फेसेस में तब ट्रांसमिशन होने लगता था। जो 5वें दिन होता था तो यह हमारी बॉडी में पूरी तरह से अपनी जगह बना लेता था, इसके बाद यह अपना इन्फेक्शन शो करता था। इसका ट्रांसमिशन देखिए, जैसे कि रैट ने सर्वप्रथम देखिए नंबर एक पर उसने काटा फेसिस ड्रिंकिंग रैट्स ब्लड्स जो नर में गया, बैक्टीरिया मल्टीपल फेसिस एब्डोमेंस और इसके फेस बाइट्स ह्यूमंस को उसने काटा, इसके बाद ह्यूमन इन्फेक्टेड हो गए। जो इंक्यूबेशन पीरियड्स होता था इसका, जो 3 भागों में जैसे बांटा गया था, ब्यूबोनिक प्लेग जो 2 से 6 दिन के लिए होता था, प्राइमरी निमोनिक प्लेग्स में 2 से 4 दिन का होता था और सेप्टिसेमिया प्लेग में 1 से 6 दिन का होता था। इसके जो लक्षण होते थे, सिर दर्द, बुखार भी आने लगता था, जो लिम्फ नोड्स है वह स्वेलिंग हो जाने होती थी और साथ में ब्लीडिंग भी होने लगती थी, जो गैस्ट्रिक है वोमिटिंग भी होने लगती थी, नोजिया की प्रॉब्लम होने लगती, जॉइंट में पेन होने लगता था। इसके बाद देखते हैं इसके डायग्नोसिस, स्टेनिंग जो इसके किस्प जीमेंस और बायसन स्टेनिंग मेथड्स के द्वारा करते थे, आइसोलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज सीरोलॉजिकल्स के द्वारा आदि के द्वारा हम लोग इसका डायग्नोस करते थे। जिस प्रिवेंशन इसका किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं, लोगों को जेनेटिक डिसीज़ के बारे में बता करके उनको एजुकेटेड करके इस पर हम लोग बचाव कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इसका ट्रीटमेंट्स, ट्रीटमेंट्स में लिए इसको एंटीबायोटिक्स दे करके या इसके जो वैक्सीन होती है बनाई गई थी उसको लगवा कर हम इसको कंट्रोल पा सकते हैं।